घर में भगवान की मूर्ति रखने के नियम कहीं आप भी तो नहीं करते, ये बड़ी गलती। नंबर एक, घर में कभी भी शिवलिंग की मूर्ति स्थापित नहीं करनी चाहिए। माना जाता है शिवलिंग की पूजा हमेशा मंदिर जाकर ही करनी चाहिए। आप चाहें तो शिव परिवार की मूर्ति या फोटो रख सकते हैं, इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। नंबर दो, विघ्नहर्ता की मूर्ति हर कोई अपने घर में रखता है, लेकिन भगवान गणेश की तीन मूर्तियां एक साथ घर में कभी नहीं रखनी चाहिए। नंबर तीन, काली माँ की पूजा शनिवार के दिन करना बेहद ही शुभ माना जाता है, लेकिन माँ काली की फोटो को कभी भी अपने कमरों या मंदिर में ना लगाएं। ऐसा करने से घर की बरकत चली जाती है। नंबर चार, लोग अक्सर अपने मंदिर में खूब सारी भगवान की मूर्तियां लगा देते हैं, लेकिन ऐसा भूलकर भी ना करें। माना गया है भगवान की बहुत सारी मूर्तियां कभी भी एक साथ नहीं रखनी चाहिए और ना ही भगवान की बहुत सारी मूर्तियां भी एक साथ लगानी चाहिए। वास्तु के हिसाब से यह अशुभ माना जाता है। नंबर पाँच, घर के मंदिर में लक्ष्मी गणेश की मूर्ति स्थापित करें या फिर किसी भी भगवान की मूर्ति बिना आसन के स्थापित ना करें। सभी भगवानों को उनका आसन जरूर दें। नंबर छः, भगवान की मूर्ति के नीचे लाल रंग का कपड़ा नहीं बिछाना चाहिए। अगर भगवान की मूर्ति घर में उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में रखी गई है तो भगवान की मूर्ति के नीचे हरे या नीले रंग का कपड़ा ही बिछाना चाहिए। नंबर सात, घर में भगवान की मूर्ति स्थापित करने के बाद उन्हें कुमकुम या फिर चंदन का टीका अवश्य लगाएं। नंबर आठ, मंदिर में शंख जरूर रखें, लेकिन सीधे मंदिर में ना रखें। जब भी नया शंख मंदिर में स्थापित करें तो उसे गंगा जल से पवित्र कर उसे लाल कपड़े के ऊपर ही रखें, इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। नंबर नौ, भगवान की मूर्ति स्थापित करने के बाद उन्हें माला जरूर पहनाएं। अगर आप भी भगवान की मूर्ति पर माला पहनाते हैं तो उन्हें लाल रंग की ही माला पहनाएं। नंबर 10, आप घर में भगवान की पत्थर की या धातु की किसी भी प्रकार की मूर्ति रख सकते हैं। नंबर 11, घर के बेडरूम में कभी भी किसी भी भगवान की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। अगर आप घर के बेडरूम में किसी भी भगवान की मूर्ति रखना चाहते हैं तो राधा कृष्ण का झूला झूलती हुई मूर्ति या फोटो रख सकते हैं। नंबर 12, घर में या मंदिर में महाभारत से संबंधित कोई भी फोटो या मूर्ति स्थापित ना करें, ऐसा करने से घर में हमेशा कलेश ही रहते हैं। नंबर 13, अगर आपने अभी तक अपने मंदिर में अपने कुल देवी देवताओं की मूर्ति या तस्वीर नहीं लगाई है तो घर में जरूर लगाएं। ऐसा करने से आपके देवता हमेशा प्रसन्न रहेंगे, घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। नंबर 14, हिंदू धर्म में गाय को माता के रूप में पूजा जाता है। वैसे भी गाय में 84,000 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। घर में गाय की मूर्ति लगाना बेहद ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है ऐसा करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है और बच्चों की भी पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ती है। नंबर 15, कछुए को भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। कछुए की मूर्ति रखना बेहद ही शुभ माना जाता है। घर के ड्राइंग रूम में धातु वाली कछुए की मूर्ति जरूर लगाएं। धन्यवाद।